क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे मुजफ्फरपुर, विकास कार्यों का लिया जायजा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे पटना, पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल पर जमकर बरसे पासवान। भागलपुर में शिक्षक का दिखा मर्यादित चेहरा, महिला रसोइया पर संबंध बनाने का दिया दबाव। नवादा में स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम फेल, ड्यूटी से गायब डॉक्टर के चलते एक छात्र की मौत। नवादा में समाज में जिंदा है रूढ़िवादी सोच, बेटी होने पर मां पर किया सितम। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखी और जगह जगह पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। तो वहीं सीएम ने विकास कार्यों का जायजा लिया, साथ ही पंचायत भवन का दौरा भी किया। बाद में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ जिले में चल रही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, साथ ही ICCC भवन का उद्घाटन किया। उसी में सब जगह घूम रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ भी मिलेंगे, एक एक चीज रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, हर चीज को अधिकारियों को ताकि रखिए और बाकी इसके बाद जब पूरा हो जाएगा तब कुछ दिन के बाद पूछेंगे सर, आज पुलवामा की जहाँ पता चल गया वहाँ के लिए अब क्या आगे का स्टेप होगा, और हम लोगों को नई अगर नीति बनानी है तो वो भी होगा। तो इसीलिए तो हमको सम्मत पूछिए, कोई अगर बोल दिया है तो बहुत लोगों की अपनी आदत है। जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे और जदयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी के बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए उनके बयान पर जमकर बरसे और कहा कि गुलाम रसूल बलियावी ऐसा बयान इस तरीके से कैसे दे सकते हैं। एक व्यक्ति का विरोध करने में लोग भूल जाते हैं कि सेना का अपमान किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बीते दिनों कहा था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की संपत्ति के अधिकारी चिराग हो सकते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी वो है जिसको लेकर चिराग पासवान ने एक विवादित बयान दिया और कहा कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के जमीन जायदाद की अगर जांच हो जाए तो वो चक्कर में पड़ जाएंगे। कैसे एक व्यक्ति का विरोध करने में ये लोग भूल जाते हैं कि आप सेना का आप अपमान कर रहे हैं। क्या जरूरत है भैया सेना को हर बात में घसीटने की? आप कीजिए ना, नीतियों का विरोध कीजिए ना। आप बोलिए भैया इस बार का बजट अच्छा नहीं है, आप बोलिए कि महंगाई बढ़ रही है, इन तमाम बातों को बोलिए जिससे जनता भी सरोकार रखेगी। दिक्कत यही है कि ये लोग ऐसे ऐसे विषय शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कुछ गुरुदेव की गुरु की मर्यादा को तार तार करने में लगे हुए हैं। ताजा मामला कहलगांव प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर का है, जहां हेडमास्टर ने महिला रसोइया को नौकरी दिलाने के नाम पर 7,000 रुपए ठग लिए और बाद में महिला को जबरदस्ती संबंध बनाने का भी दबाव बनाया गया।
रतन विद्यालय स्कूल है। ओ कुतुबपुर का। हाँ। अब क्या हो गया, आप नौकरी लगाने में कितना पैसा दिए थे? 7,000 रुपया। नौकरी लगा? नहीं लगा। अब क्या बोलता है? यह बोलता है कि अब दूसरे से करवाएंगे तब पैसा आपको दिलवाएंगे, दूसरे से नौकरी करवाएंगे तब आपको पैसा। हाँ। देंगे। और क्या क्या गलत भी आपको बोलता है? बोलता है कि हमको देगी, दूसरे से ज्यादा फिर आती है, हमको नहीं रहती है, हमको रहेगी तब ना हम तुमको नौकरी लगवाएंगे। नालंदा में पुलिस ने विदेशी शराब जब्त की है तो वहीं मौके पर चालक फरार हो गया। डीएसपी ने बताया कि ट्रक से लगभग 87 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। साथ ही बताया कि ट्रक झारखंड से गया होते हुए हिलसा को आई थी। इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। नवादा में स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम फेल दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला सदर अस्पताल का है, जहां पर डॉक्टर ना होने के चलते एक विद्यार्थी की मौत हो गई और 3 छात्र की गंभीर हालत में घायल हो गए। बता दें कि छात्र मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहा था। बता दें कि कादिरगंज थाना क्षेत्र के लल्लापर गांव के समीप ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को नवादा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज नहीं होने के एक युवक की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी घायलों को रेफर कर दिया गया। उसी में सीधा टक्का मार दिया। कितना लोग थे उसमें? बाइक पर 4 लोग सवार थे। अच्छा, कितनी मौत हुई अब तक? क्या बोले, मौत कितना का हुआ है? एक। कहाँ पे हुआ है घटना? ये बागी बढ़िया पेट्रोल पंप के समीप। ट्रक पकड़ा गया है? 8 तक। क्या नाम है? नाम मेरा अनिश कुमार वर्मा। नहीं नहीं, आराम हम एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पे क्या है? यहाँ के स्वीपर हैं सर। अच्छा, हम रिटायर कर गए हैं, अब अनुबंध पर हम काम कर रहे हैं, ठेकेदारी वाला। कहाँ से आए थे सब बड़ी है? कि हमें ये तो पता नहीं कौन क्या डॉक्टर यहाँ था जी। नहीं, अभी तो डॉक्टर नहीं सर। कितना बॉडी आया है? बॉडी तो एक है सर। अच्छा, 3। जख्मी कितना है? जख्मी 3 गो है सर। 3 डॉक्टर कोई नहीं है? कोई नहीं। नवादा में अभी भी रूढ़िवादी सोच जिंदा है, जहां बेटी को जन्म देने पर पत्नी के साथ मारपीट घर से बाहर निकाल दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि थाना पुलिस से कई बार शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पीड़ित परिवार मासूम के साथ न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। बता दें कि पीड़िता ने अपने पति पर अवैध संबंध का भी आरोप लगाया है। बेटा चाहिए था, तुम बेटी पैदा किए हो? बेटी जन्मी है, इसलिए पूरा प्रताड़ित करता है, मारपीट करता है, भैंसूर और गोतनी और ये मेरा दामाद मिल करके, और उसके बाद में इसको बच्ची पैदा हुआ है, अभी 2 महीना का है। बच्ची को नमक चटाता था, इसके लिए थोड़ा बोलचाल हुआ है दोनों पति पत्नी में, तो मेरा घर पहुंचा दिया है। बोला नमक क्यों चटाता था? नमक की बेटी नहीं चाहिए हमको, हमको बेटा चाहिए था, तुम बेटी पैदा किए हो? मेरा बेटी जन्मी है, इसलिए मेरा पति हमको मारता पीटता बहुत है, बहुत गाली गलौज करता है। मेरा भैंसुर बोलता है लड़की है इसको, इसको छोड़ा हो जाके। फकीर वर्मा आज कहाँ आई? आज हम आए यहाँ आवेदन देने के लिए। कहाँ? कोर्ट में। क्यों, पुलिस नहीं सुन रही है आपकी? एक बात भी नहीं सुनती है, जाते हैं फिर वापस चले आते हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक
3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। नवादा में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। पुलिस ने वारसलीगंज थाना क्षेत्र के अपसड़ गांव के टोला बेलदरिया से 5 साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया है। डीएसपी ने जानकारी दी कि अपराधियों के पास से एक लैपटॉप बरामद किया गया है, जिसमें पहले 17 साइबर अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया है। दरिया में साइबर अपराधियों के एकत्रित होने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकरी बरावा के नेतृत्व में बारसलीगंज थानाध्यक्ष एवं तकनीकी शाखा नवादा की एक संयुक्त टीम गठित की गई। टीम के द्वारा आज सूचना संग्रह के आधार पर ग्राम अफसर टोला बेलदरिया में छापेमारी की गई। नालंदा में माल बाबा के मंदिर से बदमाशों ने चांदी के 2 मुकुट की चोरी कर लिए, तो वहीं पुलिस ने राजगीर से 2 मुकुट को बरामद करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बदमाश ने खुलासा किया कि राजगीर के एक ज्वेलरी दुकान में मुकुट बेचा गया है, तो वहीं अब 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अंतर्गत माला बाबा मंदिर में भगवान की 2 मुकुट की चोरी हुई थी। इस संबंध में 47/23 प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, जो मंदिर के जो पुजारी हैं उनके द्वारा अज्ञात के विरुद्ध। इस मंदिर में घटित घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया। नालंदा के अंबेर चौराहा के पास हनुमान भक्तों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालु अंबेर चौक के पास हनुमान जी की मंदिर में आरती करने को जा रहे थे, तभी पुलिस ने अचानक ट्रैफिक का हवाला देकर बेवजह लाठी चार्ज कर दिया, जिससे कई महिला और पुरुष श्रद्धालु जख्मी हो गए, जिसके बाद आक्रोशित भक्तों ने अंबेर चौराहे को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। शहर की एक अच्छी जगह है जहाँ पे सारे लोग हैं। यहाँ पर हर प्रत्येक मंगलवार के विगत कितनों महीनों से ये आरती होते रहती है और ट्रैफिक को कभी कोई तरह का परेशानी नहीं यहाँ पे होता है। ट्रैफिक के लिए हमारे बजरंगी हमेशा तदैव तत्पर रहते हैं कि ताकि भी किसी तरह का भी वाहन हो उसको रोका नहीं जा सके। मगर आज जिला प्रशासन द्वारा, बिहार थाना के जिला प्रशासन द्वारा आकर अचानक लाठीचार्ज श्रद्धालुओं पर किए हैं। मैंने वो आरती हो रहा था सर, तो हम थाली बोले ना सर लेने के लिए, लोगों की लेके जाते हैं आगे, जैसा ही आए ना सर उधर हम तो देखो ना कि सर ऐसा ढकेला ना सर कि जितना महिला लोग लो, हम थाली भी होता ऐसा गिरे ना सर कि हम क्या बताते हैं, बहुत इंसल्ट हो रहा, बहुत खराब हो रहा। मधुबनी में प्रखंड मुख्यालय पर प्रखंड क्षेत्र के वार्ड सदस्यों ने पंचायत में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में
कमी और मनमानी तरीके से काम करने का जमकर विरोध जताया है। वार्ड सदस्यों ने कहा कि अधिकारियों का हनन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत की योजनाओं में ना ही वार्ड सदस्यों की बैठक की जाती है, ना ही आम सभा कर लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं सभी वार्ड सदस्यों का मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। एक सामूहिक वार्ड सदस्य कमेटी का बैठक किया था। प्रखंड कार्यालय बिस्फी में बिल्कुल भ्रष्टाचार चल रहा है, जो कि पंचायती राज पदाधिकारी बिस्फी के संरक्षण में उनके नज़र में होते हुए चल रहा है। मुखिया और पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक तीनों की मिलीभगत से जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का योजना है उसको जबरदस्ती मुखिया और पंचायत सचिव तकनीकी सहायक द्वारा जबरदस्ती कब्जा करके ले लिया जाता है। औरंगाबाद के एक छात्र ने कमरे में बंद होकर फांसी के फंदे से झूल कर आत्महत्या कर ली। बता दें कि छात्र नवादा में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। युवक औरंगाबाद के रफीगंज का निवासी था। करीब रात्रि में 1 बजे सूचना मिली कि चीनी मिल में एक कर्मी अपने कमरे में पंखा से लटक कर जान दे दिया। इस सूचना पर पुलिस पहुंची घटनास्थल पर। घटनास्थल पर पहुंची तो देखी कि अपने कमरा में ही पंखे से लटके हुए हैं। देखने से क्या प्रतीत होता है सर? देखने से तो लगता है वो कि आत्महत्या किया हुआ है, अपने से लटके हुए हैं। वैसे पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें युवक के आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।